फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बैगन के क्रिस्पी पकौड़े। इसे बंगाल में बैगुनी भी कहते हैं और ये यहाँ का बंगाल का इवनिंग स्नैक्स है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये पकौड़ा खाने में। इसका जो ऊपर का लेयर होता है वो बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो ये पूरा जो अच्छा सा टिप्स है सब कुछ हम आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे खाने का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो आइए बनाते हैं बैगन के क्रिस्पी। बैगन के पकौड़े बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी बेसन ले लिए हैं। एक कटोरी बेसन में हम थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 80% बेसन लिए हैं तो 20% आप यहाँ पे चावल का आटा डालें। तो ये मेजरमेंट आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितना डालना है। इसमें हमें चावलों का आटा थोड़ा कम ही डालना है, बस वो क्रिस्पी करने के लिए। पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी होंगे इसलिए यहाँ पे हम चावल का आटा डाल रहे हैं और बैटर जो होगा वो भी बहुत अच्छा बनेगा। इसके अंदर आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें। तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और थोड़े स्पाइसेस के लिए हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और हम इसके अंदर चीनी पाउडर डालेंगे। तो आप चीनी को थोड़ा सा कूट ले या फिर ग्राइंडर में एक बार पीस ले उसे। तो इस तरह से करके आप थोड़ा सा इसमें चीनी का पाउडर ऐड कर दें, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा पकौड़ों में। और इसमें आप थोड़ा सा अजवाइन डाल दें और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एकदम अच्छा सा थिक बैटर तैयार करेंगे हम। आप इसे एकदम पतला बैटर नहीं तैयार करना है, थोड़ा थिक रहेगा। तो आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करके इसका एकदम परफेक्ट बैटर तैयार कर लिए। आप देख पा रहे हैं हमें बिल्कुल इसी तरह से इतना ही थिक रहना चाहिए बैटर। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पे आइए देख लेते हैं आगे के स्टेप्स में। तो यहाँ पे हम बैगन ले लिए हैं, हम बैगनों को कट कर लिए थे। तो आप इसे कोशिश करें कि पतला पतला ही कट करें। हम इसे नाइफ की हेल्प से पतला पतला कट किए हैं और अगर आपके पास कोई कटर हो तो उससे भी आप कट कर लें। बस कोशिश करें कि ये थोड़ा पतला होना चाहिए। तो अभी हम बैगनों में थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें हमने जो शुगर पाउडर बना के रखा था वो शुगर पाउडर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तब चीनी को इस तरह से पीस कर आप इसके अंदर थोड़ा सा चीनी पाउडर डाल दें। उसके बाद हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बैगन में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम पूरा मिक्स कर लिया था। आप देख पा रहे हैं इसमें से पानी निकल रहा है एक्स्ट्रा। तो ये पानी को हमें ड्राई करना है। इसके लिए आप कोई भी एक नेट का बर्तन ले ले इस तरह से, कुछ भी जिसमें इसका जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम इसे पूरा इसी तरह से कर देते हैं, रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सारे बैगनों को इसके ऊपर रख दिया है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए इस तरह से रहने देते हैं। 10 मिनट बाद हम पकौड़े बनाएंगे। मिनट हो चुका है, हम यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो जो तेल है हमारा पूरा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर पकौड़ों को तलेंगे। तो इसमें आप पहले बैगन को इस तरह से डिप कर दें। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसकी कोटिंग कर रहे हैं। तो आप इसे थोड़ा सा उठाकर 2 मिनट के लिए रुक जाए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा बेसन हो ना वो निकल जाए और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हमारा जो ऊपर का लेयर होगा वो बनेगा। तो इस तरह से करके अभी यहाँ पे जो हमारा तेल है पूरा अच्छी तरह से गर्म है, पूरा धुआं निकल रहा है इसमें से। हम इसके अंदर पकौड़ों को डाल देते हैं। अगर आपके पास सरसों तेल हो तो आप सरसों तेल का से भी आप इन पकौड़ों को बना सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। या फिर रिफाइंड ऑयल, तो यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो कर दें। तो लो फ्लेम पे ही हमें इन पकौड़ों को बहुत अच्छी तरह से तल लेना है। तो यहाँ पे हम 2 डाले हैं, अभी हम और 2 डाल देते हैं इसके अंदर पकौड़ों को। तभी हम इसे दूसरे साइड से ही पूरा पका लेंगे। तो हम इसका कलर चेंज होने तक आप गैस का फ्लेम लो करके ही बनाएं, उससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा पकौड़ा बनेगा। तो
आप देख पा रहे किस तरह से इसका कलर भी चेंज हो रहा है और कितना सुंदर बिल्कुल मार्केट वाला इसमें कलर आ रहा है। और ये हमारे बैगन के जो पकौड़े ये भी कितने अच्छी तरह से पूरा फूल रहे हैं इसके ऊपर। तो इसी तरह से करके हमें अपने पकौड़ों को तल लेना है। तो आप देख ही पा रहे हैं अभी हम इसे निकाल देते हैं, ये तो हमारे बन चुके हैं। और जो हमने इसमें दो डाला था इसे भी आइए चेक कर लेते हैं। तो अभी हम इसकी थोड़ी प्लेटिंग करेंगे। तो हमारे पकौड़े इस तरह से बनकर रेडी हो गए हैं, प्लेटिंग कर दिए हैं आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बीट नमक काला नमक डाल देते हैं। तो हम डाल दिए हैं और हमारा पकौड़ा बनकर रेडी है। आई होप आपको मेरी ये बैगन पकौड़ा की रेसिपी पसंद आई हो। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू।